ठेकेदार और सुपरवाइजर की लापरवाही के कारण मासूम बच्चे की जान गई। परिवार सहित स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद FIR दर्ज। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 27 फरवरी 2021 शनिवार के रोज विद्याविहार परिसर की मस्तान नगर झोपड़पट्टी में एक दुर्घटना घटी है, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे की ठेकेदार और सुपरवाइजर की लापरवाही के कारण जान चली गई है। वहां पर ब्रिज की वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसे अनदेखा करते हुए वहां पर बिजली के तार खुले हुए थे, जिसे ना तो वेल्डर ने देखा, ना ठेकेदार ने, ना सुपरवाइजर ने। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि वहां पर इलेक्ट्रिक का वायर, जिससे वेल्डर काम कर रहा था, वो खुला हुआ है, जिसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्चे को करंट लगने से घटनास्थल पर ही उस मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई। घटनास्थल के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बिजली के तार वहाँ खुले हुए पड़े हैं, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि ये लापरवाही नहीं तो और क्या है, जो 27 फरवरी 2021 की दोपहर 2 से 2:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना घटी है, जिसमें ये 7 वर्षीय कैलाश नामक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। इस बच्चे के नाना किशन रेवा चौधरी, जो जानकारी के अनुसार तक के नाना बताए जा रहे हैं, जिसका चिंदी के कपड़ों का व्यवसाय है, उस समय वो दोपहर में घर पर ही थे। एक मजदूर के आवाज लगाने पर वो दौड़कर घटनास्थल पर गए और उन्होंने शीघ्रता दिखाते हुए कैलाश को घाटकों पर स्थित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे की जांच करके बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस मामले के लिए पुलिस में ठेकेदार और सुपरवाइजर के ऊपर शिकायत दर्ज करवाने के लिए परिवार वाले पहुंचे, परंतु वहां पर पुलिस की आनाकानी दिखी, जिसके कारण कैलाश के परिवार वालों का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों ने और परिवार वालों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और कैलाश के शव को अस्पताल से लेने से इनकार कर दिया। इसलिए पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 27 फरवरी के दिन दिए गए बयान के अनुसार 28 फरवरी को ठेकेदार और सुपरवाइजर का नाम जब्त करके FIR दर्ज कर ली। 28 फरवरी को FIR दर्ज होने के बाद परिवार वालों ने कैलाश के शव को अस्पताल से लेकर अंतिम विधि को निभाया। शव के ले जाने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 184 के आधार पर मामला दर्ज किया है। अब इन धाराओं के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में रखा है। अब न्यायालय इस मामले में अपराधियों को क्या दंड देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु ऐसी लापरवाही के कारण और कितनी जाने जाएगी और कब तक ऐसी लापरवाहियों के कारण बेकसूर लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा। ये थी बिजली के तार खुले होने के कारण मासूम बच्चे को करंट लगने पर बच्चे की मृत्यु हो जाने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही दिल दहलाने वाली जानकारियों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।